हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। चाइनीज सुपर लीग का मैच हो रहा है बीजिंग गुआन वर्सेस शंघाई शेनवा के बीच 5:05 पे शाम को। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैच ना बहुत बड़ा मैच है, मतलब चाइनीज सुपर लीग के 2023 का जो सीज़न था, 2023-24 का जो सीज़न था, वो सीज़न में भाई ये दोनों टीम टॉप फाइव में थी। दूसरे नंबर पर थी शंघाई शेनहुआ, मतलब फर्स्ट रनर अप, और शंघाई और बीजिंग थी भाई चौथे नंबर पे। तो मतलब इनका लेवल अलग ही था, बट इनमें बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि शंघाई शेनहुआ ने अपने पिछले सीज़न में 50 से ज़्यादा गोल किए थे पूरे सीज़न में, और ये टीम चौथे नंबर पर किए थे सिर्फ 35 गोल्स। तो इतना बड़ा रेशियो का फ़र्क देखकर मैं हैरान हो गया। इसका मतलब ये है कि शंघाई शेनहुआ गोल ज़्यादा करती है और बीजिंग गुआन गोल कम करती है, सामने वाले को करने नहीं देती है। तो ये बहुत बड़ा इनमें फ़र्क है, कुछ सिमिलर नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं सी में लेले के साथ ज़रूर जाऊँगा। ये बंदे को यार मतलब मैं शुरू से देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा मतलब प्रो कौन होता है। इस बंदे को मैं कंटिन्यू कैप्टन रख रहा हूँ। आप ये लगा लो 3 मार्च से एक भी मैच मेरा ऐसा नहीं गया जिसमें ये बंदा मेरा कैप्टन ना हो, और आखिरी के जो 6-7 मैच थे उसमें से एक भी मैच ऐसा नहीं किया जिसमें इसने गोल ना किया हो। मतलब इतना ट्रस्टेड प्लेयर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, कोई भी नहीं होता इतना ट्रस्टेड। उसके बाद लुइस की बात करूँ, देखो भाई लुइस की इंजरी हो गई ठीक, ये आपको कल के मैच में दिखेगा, 100% दिखेगा, इसलिए इसको टीम में लेना है, क्योंकि पीस की का आप काम ख़त्म, पीस की को नहीं लेना। और बात करें ऑपोजिशन टीम की, देन देखिए ना जेड जेनिंग करके जो प्लेयर है, ये इंटरनेशनल बॉस प्लेयर मानता हूँ मैं इसको चाइनीज़ लीग में, इतनी जल्दी इंटरनेशनल खेलना लाइक एक छोटी एज में इट्स गुड थिंग। लेकिन एब्रियो की बात करूँ तो एब्रियो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो एब्रियो को यहाँ पर बनता है लेना। लेकिन मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई आपको लेने का मौका मिले जैंग को तो ज़रूर लेना। कल को लुइस नहीं खेला तो इसकी जगह ले सकते हो, लेकिन जो काम जैंग कर सकता है मेरी नज़र में वो और कोई काम नहीं कर सकता। मिडफील्डिंग की बात करूँ तो जोआओ टेक्सेरा, उसके बाद जी गुगा रॉड्रिग्यूज़ की बात करूँ बीजिंग में, तो दो प्लेयर कंफर्म लेने हैं, क्योंकि गुगा रॉड्रिग्यूज़ एंड एडक बैंड्रो तो आप लोगे ही लोगे, क्योंकि मैं इस बंदे को इतनी बार ट्राई करके जीत चुका हूँ। जब 13% सिलेक्शन थी तब भी लिया था, जब 30% थी तब भी लिया था, मैं तो छोड़ता ही नहीं प्लेयर को, तो आज कैसे छोड़ दूंगा। उसके बाद आई एम एड्यू की अगर बात करें तो नहीं लेना, एच यू को आपने नहीं लेना, बिकॉज यू डोंट हैव टू टेक रिस्क। आपको लग रहा होगा कि मैंने गाओ को क्यों नहीं लिया, तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि ऑपोजिशन टीम गोल कर सकती है, देखो करने को कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपको पूरा ट्रस्ट है कि कर सकती है तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि मैं डब्ल्यू स्की को भी आज प्रेफर नहीं कर रहा, पर्सनली मैं मना कर रहा हूँ आज खुद। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन में 3 प्लेयर लेने हैं, और तीनों के तीनों आपके शंघाई के होना चाहिए। मुनाफा को लूँगा पहले, उसके बाद यहाँ पर शेंगलोंग, 2 प्लेयर मेरे डन हो गए। थर्ड डिफेंडिंग करेगा हयोंग, और मैं थर्ड डिफेंडर को नहीं लेता, आई डोंट लाइक थर्ड डिफेंडर्स, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे ज़्यादा मानता नहीं हूँ। तो मैं चेंजी के साथ जाऊँगा, चेंजी अगर आज ठीक हो गया होगा तो खेलेगा, नहीं ठीक हुआ होगा तो भाई साहब यांग को लेंगे, लेकिन लेंगे 4 डिफेंडर, इतना मैं वादा है। एंड गोल कीपिंग की बात करें तो एच सेन एंड एच हैन में जो मेरा मेन प्लेयर रहेगा दैट वॉज जे हैन। एंड कैप्टन की बात करें, कैप्टन जो है वो है मेलेले, एंड वाइस कैप्टन लोग जो आउट एक्सीडर रखने को कह रहे हैं, मैंने रखा भी बहुत बार, जीता भी बहुत बार, लेकिन नाउ आई एम चेंजिंग, मैं लुइस के साथ जाऊँगा। तो ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।